हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ श्रीराम फाइनेंस का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। तो रिसेंटली श्रीराम फाइनेंस ने अपना न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है नया फिक्स डिपॉजिट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है श्रीराम फाइनेंस अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए डिटेल में जान लेते हैं फिक्स डिपॉजिट का फीचर एंड बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो श्रीराम फाइनेंस जो है इकरा डबल ए स्टेबल जो है रेटिंग दिया गया है, INDE डबल ए स्टेबल रेटिंग दिया गया है। ठीक है, और हायर इंटरेस्ट रेट अप टू 9.10% पर एनम यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन 0.50% एक्स्ट्रा आप लोग को मिलने वाला है, और अगर आप लोग वुमेन अकाउंट होल्डर हो तो यहाँ पे 0.10% पर एनम यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और फ्लेक्सिबल टेन्योर है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, 12 से 60 मंथ का इन्वेस्टमेंट आप लोग को चॉइस करना है। फ्लेक्सिबल पे आउट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और एट मैच्योरिटी, और ये जो है गारंटेड रिटर्न है। ठीक, तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस के ऊपर क्लिक करना है, और आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, इंटरेस्ट रेट अप टू 9.10% पर एनम इंक्लूडिंग 0.50% पर एनम फॉर सीनियर सिटीजन एंड 0.10% पर एनम फॉर वुमेन कैन अकाउंट होल्डर के लिए। और ये जो है ये इफेक्टिव है फ्रॉम 10th मार्च 2023 से इफेक्टिव है। मैं आप लोग को पहले नॉन क्यूमुलेटिव के बारे में बताऊंगा, फिर मैं क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब आप लोग को मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर एनुअल बेसिस पे आप लोग को पैसा मिल जाएगा, और क्यूमुलेटिव मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं पीरियड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे। 12 मंथ में 7.34, 7.39 क्वार्टरली में, और हाफ ईयरली में 7.46 और ईयरली में 7.60। और ध्यान रखने वाला बात है, अगर आप लोग मंथली बेसिस पे लेते हो तो इंटरेस्ट रेट घट जाता है, फिर क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा इंक्रीज होता है, फिर हाफ ईयरली और ईयरली में आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। 18 मंथ्स का जो है 7.48, 7.53, 7.60 और 7.75%। 24 मंथ्स का 7.76%, 7.82, 7.89 और 8.05%। 30 मंथ्स का 7.90, 7.96, 8.04, 8.20। 36 मंथ्स का जो है 7.95, 8.01, 8.09 और 8.25। ठीक है, 42 मंथ्स का जो है 8% और क्वार्टरली बेसिस पे 8.06, हाफली बेसिस पे 8.14 और ईयरली बेसिस पे 8.30। और 48 मंथ्स का जो है मंथली बेसिस पे 8.04, क्वार्टरली बेसिस पे 8.10, हाफली बेसिस पे 8.18 और ईयरली बेसिस पे 8.35। 60 मंथ्स का जो है 8.18 मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे 8.24, हाफली बेसिस पे 8.33 और ईयरली बेसिस पे 8.50। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग को हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलने वाला है वो 60 मंथ्स के लिए, जो कि 8.50 है। ठीक है, फॉर नॉर्मल सीजन ये जो था ये नॉर्मल सीजन केस में था, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एडिशनल 0.5% विल बी पेड टू सीनियर सीजन केस। ठीक है, कंप्लीटेड एज जो होना चाहिए 60 ईयर्स अबव होना चाहिए, और 0.25% विल बी पेड ऑन एनुअल रिन्यूअल अगर आप लोग एक बार कंप्लीट कर चुके हो मैच्योरिटी। तो यहाँ पे आप लोग को एक्स्ट्रा 0.25% मिलेगा फॉर नॉर्मल सिटीजन केस, और अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो तो 0.50 प्लस 0.25 एक्स्ट्रा आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप लोग वुमेन डिपॉजिटर हो तो यहाँ पे 0.10% पर एनम आप लोग को मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और डिपॉजिट विल बी एक्सेप्टेड इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 एंड सब्जेक्ट टू ए मिनिमम अमाउंट जो है 5000 का यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है। और आप लोग देख सकते हो बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये स्कीम में। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट में यहाँ पे पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव यील्ड और मैच्योरिटी वैल्यू फॉर 5000। ठीक, अगर आप लोग 5000 डिपॉजिट करते हो तो कितना आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है यहाँ पे दिया गया है। तो 12 मंथ्स का जो है 7.34, 18 मंथ्स का 7.48, 24 मंथ्स का 7.76, 30 मंथ्स का 7.90, 36 मंथ का 7.95, 42 मंथ्स का 8%, 48 मंथ्स का 8.04% और 60 मंथ्स का 8.18%। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैच्योरिटी वैल्यू, यहाँ पे आप लोग को मैच्योरिटी कैलकुलेशन किया गया है अगर आप लोग 5000 डिपॉजिट करते हो तो कितना आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है। तो चलिए अभी मैं FD कैलकुलेशन करके आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हो तो ये इस पे टिक करना है, अगर आप लोग सीनियर सिटीजन नहीं हो तो नो पे टिक कर सकते हो। सेकंड स्टेप जो है आप लोग वुमेन कैंडिडेट हो या नहीं हो तो यहाँ पे येस करना है, अगर है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रख सकते हो, मैं जैसे 1 लाख, और टेन्योर जो है यहाँ पे आप लोग को चॉइस करना है, लेट्स से 42 मंथ्स का मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इंटरेस्ट पे आउट टर्म मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑन मैच्योरिटी
रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 लाख पे आप लोग को 34,500 एक्स्ट्रा आप लोग को मिल जाएगा फॉर ए टेन्योर ऑफ 42 मंथ्स, ठीक है। और अगर आप लोग हाफली बेसिस पे करते हो या फिर मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे तो इंटरेस्ट घट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना घट जाएगा, और क्योंकि मंथली पे आउट हो रहा है आप लोग को 710 रुपये, और अगर आप उसी तरह क्वार्टरली बेसिस पे सकते हो 2145 आप लोग को दे रहा है और इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जा रहा है। उसी तरह हाफली बेसिस पे थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। और एनुअल बेसिस पे अगर आप लोग लेते हो या फिर एट मैच्योरिटी बेसिस पे तो यहाँ पे आप लोग को अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे आप लोग कुछ भी अमाउंट लिख सकते हो, लाइक 10 लाख। फिर उसी तरह यहाँ पे आप लोग सब सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग वुमेन कैंडिडेट हो तो 0.10% एक्स्ट्रा आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो 42 मंथ्स के लिए ऑन मैच्योरिटी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्स्ट्रा 3 लाख 3,50,000 आप लोग को मिल जा रहा है अगर आप लोग वुमेन कैंडिडेट हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को, अगर आप लोग वुमेन कैंडिडेट नहीं हो तो नो पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5,000 डिक्रीज हो जा रहा है। और अगर आप लोग नॉर्मल सिटीजन हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3,22,000 यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है। उसी तरह आप लोग कोई भी अमाउंट के लिए यहाँ पे आप लोग FD कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है, इफेक्टिव यील्ड भी दिया गया है। तो ये था श्रीराम फाइनेंस का फिक्स्ड डिपॉजिट रेट के बारे में, जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम मार्च 10, 2023 से। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।